फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू लर्न मैथमेटिक्स एंड आवर टॉपिक इज नंबर्स। आज हमारा जो नंबर्स का ये लास्ट लेक्चर होगा। आज हमने पढ़ना है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, और नंबर्स को हम 100, 10 और 1 में कैसे लिखते हैं, और हमें ये देखना है कि हम वर्ड्स में कैसे लिखते हैं और नंबर्स में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हमारे पास होता है छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है हमारे पास बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। ये हमारे पास गिवन है 844, 41, 624, 925, 597, 149, 642। अब हमने देखना है कि इस सब में से सबसे छोटे वाला कौन सा है, तो हम कैसे देखेंगे। आप देखेंगे फर्स्ट डिजिट, ये है हमारे पास 8, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6। तो हमें पता है सबसे छोटा कौन सा है, 5। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 5 वाला, 519। उसके बाद हमें पता है 5 के बाद 6, 6 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब हमने फर्स्ट डिजिट कंपेयर कर लिया, अब हमें देखेंगे सेकेंड डिजिट, क्योंकि हमने देखना है कि 590 के बाद बड़ा कौन सा है और इन दोनों में से छोटा कौन सा है। हमने जाना है ना छोटे से बड़े की तरफ, तो इसके लिए हम देखेंगे सेकंड, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 छोटा होता है हमारे पास और 4 बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 624 और उसके बाद लिखेंगे हम 642। उसके बाद हमें पता है आएगा 7, 7 वाली कम आएगी, तो 749, 749 यहाँ पे लिखेंगे। फिर हमारे पास ए वाली भी एक ही टर्म है, तो फिर 841 वाली टर्म, और उसके बाद 920। ये हो जाएगा हमारे पास छोटे से बड़े की तरफ असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ। अभी हमने देखा कि इन सब में सबसे बड़ा कौन सा था, 920, हमने वो लिख दिया। उसके बाद सेकंड जो टर्म आ रही है बड़ी, वो 841 है, और उसके बाद जो आ रही है थर्ड टर्म, वो 749, उसके बाद आ रहा है 642, और उसके बाद 624, एंड लास्ट में 590। ये डिसेंडिंग ऑर्डर था हमारे पास बड़े से छोटे की तरफ, असेंडिंग ऑर्डर था हमारे पास छोटे से बड़े की तरफ। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो 3 डिजिट नंबर्स है, हम उसको किस तरह से 100, 10 और 1 में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर गिवन है 693, अब हमने इसको लिखना है 100, 10 और 1 में। हम इसको राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, हमें पता है 3 हमारे पास 1 की प्लेस पे है, 9 हमारे पास 10 की प्लेस पे, और 6 हमारे पास 100 की प्लेस पे है। आपने हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिख देनी है, मीन 6 जो है वो 100 की प्लेस पे है, 9 हमारे पास 10 की प्लेस पे है, और 3 हमारे पास 1 की प्लेस पे है। ये आपने उसमें जब हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा राइट इन 100, 10 एंड 1, तब आपने इन तीनों डिजिट्स की, या कोई भी आपके पास 2 डिजिट्स होंगे तो आपने उन दोनों की भी प्लेस वैल्यू लिख देनी है। इसी तरह से हमने यहाँ पर लिखी हुई है 600, 9, 10 एंड 3, 1। हमने इसको 693 नहीं लिखना, क्योंकि उन्होंने ये मतलब कहा होगा कि राइट इन 100, 10 एंड 1, हमने उनकी प्लेस वैल्यू के साथ लिखना है। तो जब हम प्लेस वैल्यू के साथ लिखेंगे तो फिर हमने 600, 9, 10 और 3, 1 लिखेंगे। उसके बाद है कि अगर हमारे पास गिवन हो रहा है कि नंबर्स, नंबर्स हम कैसे लिखेंगे, अगर ये गिवन हो 200, 6, 10 एंड 4, 1, हमें पता है हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, 4 वंस है, 4 लिखेंगे, 6 टेंस है, उसके बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद 200, इट मींस वो 100 की प्लेस पे आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम नंबर्स में लिखेंगे। अब हमें नंबर नेम लिखना है। पहले हमने देखा कि नंबर्स को 100, 10 और 1 में कैसे लिखना है, फिर हमने देखा कि 100, 10 और 1 में से को उसको नंबर्स में कैसे लिखना है। अब हमें देखना है कि अगर हमारे पास इस तरह से 3 डिजिट हो तो उनका नेम क्या होगा, यानी उसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। 671 है, अब 6 जो है हमें पता है 100 की प्लेस पे है, 7 10 की प्लेस पे है, और 1 हमारे पास 1 की प्लेस पे है। अब आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से 671, क्या हो जाएगा हमारे पास 671, ये हो जाएगा हमारे पास इसका नेम, इस नंबर का
हमने यानी हमने 671 को हमने 671 को हमने एक नाम दे दिया, वर्ड्स में लिख दिया 671। उसके बाद है कि अगर हमारे पास वर्ड्स में गिवन हो राइट द नंबर्स, हमने नंबर्स में उसको लिखना है 362, हमने इसको नंबर्स में लिखना है। नंबर्स में कैसे लिखेंगे 300, हमें पता है 100 एक मींस 3 डिजिट्स हैं, जब 3 डिजिट्स होंगे तो आप 100 से है ना, हमारे पास 3 डिजिट्स हैं तो इट मींस कि 3 आ जाएगा 300 एंड 62 कौन सी प्लेस पे होगा, टेंस की प्लेस पे, आप लिख देंगे इसको टेंस की प्लेस पे। 2 कौन सी प्लेस पे हमारे पास, वंस की प्लेस पे, तो इस तरह से लिख देंगे आप 3, 6 एंड 2। तो ये था हमारा आज का, हमने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ लिया और हमने देख लिया कि 100 टेंस एंड वंस को किस तरह से लिखेंगे किसी भी नंबर को हम, और किसी भी अगर हमारे पास गिवन हो 100 टेंस एंड वंस को उसको हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे, और वर्ड्स में अगर हमें लिखना हो यानी नंबर का कोई नेम लिखना तो वो हम कैसे लिखेंगे। बाकी इसका सॉल्व आपको पीडीएफ में मिल जाएगा।